bar councils cannot collect amount more than mentioned under section 24 of Advocates Act 1961. अगर आप लॉ ग्रेजुएट्स हैं और आपने हाल ही में लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है, अब आप अपना करियर लिटिगेशन में बनाना चाहते हो, तो उसके लिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट के स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोलमेंट फीस पे करना होता है ताकि आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पा सको और एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू कर सको। सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 30 जुलाई 2024 को ये जजमेंट दिया है और कहा है कि हर स्टेट बार काउंसिल उन स्टूडेंट से जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एनरोलमेंट के नाम पर ₹750 ही चार्ज करेंगे और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनसे एनरोलमेंट फीस के तौर पे केवल और केवल ₹125 ही चार्ज किया जाएगा। अगर कोई स्टेट बार काउंसिल इससे ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं तो ये बेसिकली एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ का वॉयलेशन होगा। इस पर्टिकुलर जजमेंट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर के क्या एनरोलमेंट फीस होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हो सकता है कि कुछ दिनों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनके एनरोलमेंट फीस को लेकर के कोई सर्कुलर जारी कर दे। ये जो जजमेंट दिया गया है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बेसिकली प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, यानी ऐसे सभी रजिस्ट्रेशन जो कि 30 जुलाई 2024 के बाद होंगे उनमें जो एनरोलमेंट फीस होगा वो ₹750 होगा उस स्टूडेंट के लिए जो बिलोंग करता है जनरल कैटेगरी से, जिसमें जो ₹600 होगा वो स्टेट बार काउंसिल को जाएगा और रिमेनिंग ₹150 जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। इसी तरह से 30 जुलाई 2024 के बाद कोई स्टूडेंट जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है वो एनरोलमेंट फीस के तौर पे केवल और केवल ₹125 ही देगा, जिसमें ₹100 जाएगा उस स्टेट बार काउंसिल को और ₹25 जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कोई स्टूडेंट अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसे इस न्यूज के बारे में पता। थैंक यू।